इस बीच रुक करेंगे अगली खबर का। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान की जमानत पर आज सुनवाई होगी। दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। मुख्य सचिव से मारपीट मामले में सुनवाई होगी। हाई कोर्ट ने प्रकाश जारवाल को सशर्त जमानत दे दी थी और अब निगाहें सबकी अमानतुल्ला खान पर आकर टिक गई हैं कि क्या उन्हें राहत मिलेगी या न्यायिक हिरासत को आगे बढ़ा दिया जाएगा। आपको बता दें, दो विधायकों पर मारपीट का आरोप लगा था, जिनमें से एक अमानतुल्ला खान है और दूसरे प्रकाश जारवाल। प्रकाश जारवाल को पहले ही सशर्त जमानत दी जा चुकी है और अब बारी है अमानतुल्ला खान की। उन्हीं के मामले को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और देखना होगा क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है। तो आम आदमी पार्टी के विधायक को झटका लगेगा या फिर राहत, ये देखना बाकी होगा। आम आदमी पार्टी से जुड़ी बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रही हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में आप विधायक अमानतुल्ला खान की जमानत पर आज सुनवाई होगी। मुख्य सचिव से मारपीट का ये पूरा मामला है। अरविंद केजरीवाल के घर पर एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें सीएस अंशु प्रकाश से मारपीट की खबर सामने आई थी। इसमें दो विधायकों पर आरोप लगे थे, जिनमें अमानतुल्ला खान और प्रकाश जारवाल मुख्य रूप से आरोपी बनाए गए थे। सशर्त जमानत प्रकाश जारवाल को तो मिल गई है, लेकिन अब दिल्ली हाईकोर्ट अमानतुल्ला पर क्या रियायत बरतती है या फिर सख्त रुख अख्तियार करे रखती है, ये देखना बाकी होगा। सुशांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, क्या लगता है कि जिस तरीके से प्रकाश जारवाल को सशर्त जमानत मिल गई है, झटका लग सकता है आम आदमी पार्टी के विधायक को या फिर राहत? देखिए कि हाई कोर्ट में इस पूरे मामले पर अमानतुल्ला की जमानत को लेकर के आज फैसला जो है वो आना है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो प्रकाश जारवाल को जमानत जो है वो इस आधार पर दी भी गई थी कि उनके ऊपर सिर्फ दो ही केस जो है वो रजिस्टर्ड थे, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया कि चीफ सेक्रेटरी के साथ जिस तरीके से मारपिटाई हुई है, कोई छोटा मामला नहीं है, गंभीर मामला है। और ऐसे में फर्दर अगर कोई आगे इस तरीके के मामले आते हैं तो कोर्ट काफी सख्त रूप जो है वो अख्तियार जो है करता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर बात की जाए अमानतुल्ला खान की, तो उनके ऊपर तकरीबन 12 केस जो है वो रजिस्टर्ड है। पुलिस ने कोर्ट के सामने ये बयान दिया था कि करीबन 12 केस जो है उस तरीके के मारपीट के मामले जो है वो दर्ज है। ऐसे में पटियाला हाउस कोर्ट है, उसकी तरफ से इनको जो है 12 दिन की न्यायिक हिरासत और बढ़ा दी गई थी। फिलहाल हाई कोर्ट के अंदर इस पूरे मामले पर इन्होंने याचिका जो है दायर की थी। अब आज इस पूरे मामले पर जो है वो सुनवाई होनी है और इस पर देखना होगा कि क्या आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान की मुश्किलें बढ़ती हैं या कम होती हैं।